ओम शांति। मुरली का तारीख है 9/8/2018। मीठे बच्चे, बाप आए हैं कलयुग की महफिल में, या बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हो। प्रश्न, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चींटी मार्ग का है तो उसका कारण क्या? उत्तर, कई बच्चों में रूठने की आदत है, बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो माया नाक से पकड़ लेती है, इसीलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता, चींटी मार्ग का ही रह जाता है। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए, सुनकर औरों को सुनाना है, रिजल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं, वहाँ कभी बक्तावर नहीं बन सकते। गीत, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव को क्षमा भी कहते हैं। नाम बहुत डाल देते हैं तो मनुष्य मूंझ गए हैं। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, अब तुम जागती ज्योत बन रहे हो। क्षमा आई है या महफिल तो बहुत बड़ी है, कोई तो आकर बाप का बनते हैं। बाप का बन जीते जी फिदा हो जाते हैं। देह अभिमान छोड़ा तो आप मुझे मर गई दुनिया। आप कौन? आत्मा। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया उनके लिए जैसे मर गई। अभी बाप भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। हम तो बाप के हैं, शरीर का बान मिटा देना है। मनुष्य मरते हैं तो देह सहित सब कुछ भूल जाते हैं, समझते हैं शरीर छोड़ा तो तैलुक टूटा। शरीर के साथ ही तैलुक नाता है। तुम शरीर होते हुए अशरीरी रहते हो क्योंकि तुम्हारा तैलुक अब बाप से हो गया। तुमको राजयोग सिखलाने के लिए बाप ने भी शरीर धारण किया है, महफिल में आए हैं। तुम्हारे में भी कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा, कोई तो कुछ नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं इस रचना में आया हुआ हूँ, यह बातें मनुष्य ही समझेंगे। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी है। शिव है परम पिता परमात्मा, सभी आत्माओं का बाप, वहाँ आते हैं जरूर। मंदिर भी है, मंदिर तो ढेर बनते हैं, जैसे क्राइस्ट तो एक था, उनकी यादगार में जड़ मंदिर कितने ढेर बनाए हैं। यहाँ भी परम पिता परमात्मा जिनको पतित पावन कहते हैं उनके मंदिर है। यहाँ है अभी पतित दुनिया की महफिल, फिर होगी पावन दुनिया की महफिल। पावन दुनिया में तो वहाँ आते नहीं, पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती और सुखी होते हैं, इसीलिए वहाँ आने की दरकार नहीं, आना है बड़ी महफिल में। उनका नाम ही है पतित पावन, यह है पतित दुनिया, फिर पावन दुनिया भी है। उसी नई दुनिया में जरूर तोड़े होंगे। तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं, सच्चाई की सर्विस का सबूत भी निकलता है। तो बाप महफिल में आए हैं, वहाँ है पतितों को पावन बनाने वाला। कहा जाता है चैरिटी बिगिन्स एट होम। भारत अविनाशी बाप का अविनाशी बर्थ प्लेस है। मनुष्य भूल गए हैं शुबाबा कब आया था, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। आते भी है पतित शरीर में, उनकी महिमा कितनी बारी है। शिवाय नमः, तुम्हारी महिमा भी अपरम अपार है। वैकुंठ की कैसे स्थापना करते हैं, जिस वैकुंठ की भी महिमा अपरम अपार है, तुम बच्चे ही यहाँ जानते हो और ऐसे वैकुंठ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा टंडा चींटी मार्ग का देखते हैं। माया किसी को कान से नाक से पकड़ती रहती है, किसी को भी छोड़ती नहीं। सोचते भी है ऐसे शुबाबा को निरंतर याद करे, जैसे पत्नी पति को कितना याद करती है। या तो पतियों का पति है बाबा है, ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए, ऐसे बाबा की हम कितनी महिमा गाए।
गीत आदि में भी शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं, तेरी महिमा अपरम अपार है, इतनी महिमा क्यों गाई जाती है, कोई कारण तो होगा ना, तुम जानते हो, बाप ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं, भारत को कितना ऊंच बनाते हैं, रावण फिर नीच बना देते हैं, बाप आकर सुखी बनाते हैं, दोजक से बहिष्ट बना देते हैं, ऐसे बाप को कोई जानते नहीं, पति तो सारी दुनिया है, बल अशोका होटल के सुख आदि है, परंतु यहाँ सब तो अल्पकाल के लिए है, यहाँ है मृगतृष्णा समान राज्य, पाई का भी इसमें सुख नहीं, दुख ही दुख है, सत्युग में राजा रानी तथा प्रजा कितने सुखी रहते हैं, अभी तो कितना दुखी है, कितना रिश्वत काते, कितने पाप आदि करते हैं, भारत दैवी संप्रदायता, भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, जो अब तुम जानते हो, भगवान की महिमा गाते हैं, याद करते हैं, परंतु जानते नहीं, अरे भगवान कहते हो तो भगवान का पूरा नाम चाहिए ना, उनका नाम है शिव, उनकी सारी महिमा है, मनुष्य उनके नाम रूप देश काल को जानते नहीं, कह देते उनका नाम रूप है नहीं, कहते भी है परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है, नाम रूप देश काल बतलाते भी है, परंतु देह अभिमान होने कारण उनको याद नहीं करते, याद करते भी है तो बिगर समझ गाते हैं, तुम मात पिता तुम समझा सकते हो, लौकिक मात पिता तो है ना, फिर यहाँ कौन से मात पिता है, पिता कैसे सृष्टि को रचते हैं, कैसे मुख वंशावली रच उन्हीं को राज्यभाग्य देते हैं, सो तो तुम ही जानो, और ना जाने कोई, तुम्हारे में भी नंबर वार है, तुम समझते हो, शुबाबा ब्रह्मा तन से आकर पढ़ाते हैं, शुबाबा की ही इतनी बारी महिमा है, ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर हमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं, जरूर ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, वही विश्व के मालिक बनेंगे, उनके साथ कुमार कुमारिया भी है, यहाँ दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है, यहाँ मंदिर आदि तो पहले बने हुए हैं, अभी हम बेंट करते हैं, हमारे ही यादगार का पूरा यह मंदिर है, तो यहाँ शिवाय नमः गीत तो जरूर रखना चाहिए, दो चार गीत फर्स्ट क्लास रख लेने चाहिए, यहाँ बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, दिल होती है बाबा की याद में रहकर काये, परंतु भूल जाते हैं, वो तो कहते हैं मैं अबोकता हूँ, उनको या नहीं आता कि या अच्छा है वा बुरा है, बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन ली है, अब फिर उस पर जीत पानी है, रावण तुमको कौड़ी जैसा बनाकर देवाला निकाल देता है, भारत का अब देवाला है ना, फिर तुमको साल्वेंट बनाता हूँ, इनसाल्वेंट बुद्धि मनुष्य ही बनाते हैं, तो यहाँ शिवाय नमः का गीत बड़ा अच्छा है, नंबर वन उनकी महिमा है, फिर भारत की भी महिमा है, वंडरफुल भारत था, गाते तो है ना, स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे, फिर वहाँ कहाँ गए, माया की कैसे प्रवेशता हुई, सत्युग में देवी देवताएं धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे, भ्रष्ट कर्म कराने वाली माया वहाँ होती नहीं, और यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध तुम पाते हो, तुमको कोई दुख होने की बात ही नहीं, पाप करने की दरकार नहीं, यहाँ तो पैसे के लिए कितने पाप करते हैं, वहाँ तो बहुत धन रहता है, बेहद की राजाई है ना, गाया जाता है भारत दैवी राजस्थान था, अब दैवी राजस्थान था तो देवी देवताओं का धर्म श्रेष्ठ था, बाप आकर
श्रेष्ठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, तो कोई पाप का काम नहीं करना है, डर रहना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक से पकड़ पाप करा देती है। अभी तुम जानते हो महफिल में बाप आए हैं, कैसे मुखवंशावली बनाए, उनको श्रेष्ठ बनाते हैं। जरूर शरीर को तो लोन लेना ही पड़े, कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, या अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं बतलाता हूँ, इनका नाम ब्रह्मा रख दिया है। ब्रह्मा में ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी है। ऐसे तोड़े ही बौद्ध, इस्लामी व सिख में प्रवेश करेंगे। बाप कहते हैं मुझे इस तन में प्रवेश करना है जो पहले पहले सूर्यवंशी श्री नारायण था, फिर उनको ही बनाता हूँ, या अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यह है ज्ञान कांड। ज्ञान बाप ही देते हैं, फिर वहाँ भक्ति का नाम निशान नहीं। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कहा जाता है। आधा कल्प भक्ति कांड, आधा कल्प ज्ञान कांड चलता है। यहाँ भी ड्रामा में नूंद है, पतित बनना ही है। बच्चों को अच्छे अच्छे राज समझाए जाते हैं, गाते भी हैं। भगवान आकर भक्तों को साथ ले जाते हैं, परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। बाबा आवो, माया रूपी जंजीरों से आकर छुड़ाओ, हमको लिबरेट करो। जो भी मित्र संबंधी आदि है सबको लिबरेट करते हैं। फिर वहाँ दैवी माँ बाप मिलेंगे, तुम देवी देवता बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा भी प्योर हो जाएगी। अभी तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, सो फिर पावन बनेगी। अनेक प्रकार के चित्र है जिसका ऑक्यूपेशन कुछ भी नहीं, जैसे गुड़ियों की पूजा करते हैं। मैं ना गुड्डा हूँ ना गुड्डी हूँ, मैं तो हूँ ही निराकार। गुड्डा और गुड्डी मनुष्य है, मैं नहीं बनता, मुझे निराकार ही कहते हैं। तुम गुड्डे गुड्डी अभी बहुत दुखी हो, वैकुंठ में तुम बहुत सुखी थे। सुख की महिमा अपरम अपार है, परंतु बच्चे गड़ी गड़ी भूल जाते हैं, रूठ पड़ते हैं। ब्राह्मणों में से भी बहुत रूठते हैं, रूठ कर वर्षा पाने को ही छोड़ देते हैं। अरे तुमको वर्षा बाप से लेना है ना? यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। पढ़ाई बाबा ने बड़ा सहज समझाया है, बल तुम कहाँ नहीं आ सकते हो। अच्छा मुरली तो मांग कर पढ़ सकते हो, इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। बाकी हाँ, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। सर्विस का सबूत ही नहीं तो मुरली बेच कर क्या करेंगे? मुरली पड़ी जाती है धारणा करने के लिए। अगर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं तो फिर क्या कर सकेंगे? बाबा को याद ही नहीं करते हैं। कोई पाप करते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाप कुछ नहीं करते हैं, बाप तो समझाते हैं तुमको बहुत मीठा बनना है, कोई को दुखी मत करो, अंत में तुम बच्चे बहुत मीठा बाप जैसे बन जाएंगे। पुरुषार्थ करना है, दिल से पूछना है, किसी को तंग तो नहीं करते हैं, हमसे कोई नाराज तो नहीं होते। यूं बाहर वाले तो बहुत नाराज होंगे। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली रोज जरूर सुननी चाहिए, मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? मुरली नहीं सुनते हैं तो जरूर समझो वहाँ बक्तावर नहीं, मुरली को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों को भी मुरली शुबाबा से मिलती है ना, उनसे कनेक्शन रखना है। डायरेक्ट मुरली तो बेचे, लेकिन फिर आप सामान भी बनाकर तो दिखाओ। बाप को याद करते रहो, बाप की याद औरों को दिलाते रहो, समाचार दो तो पता पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि बाप की सर्विस कर रहे हो। सबूत जरूर चाहिए सर्विस का, मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। टेप्स भी मुरलीधर बनाती है ना, या एक्यूरेट मुरली सुना सकती है,
तुम नहीं सुना सकेंगे तो क्या करना चाहिए? औरों के कल्याण के लिए टेप रिकॉर्डर मिशन लेकर देनी चाहिए। इतने सब सुनेंगे तो उन सबका फल देने वाले को बहुत मिलेगा। लेकर के देंगे भी वहाँ जिनको इसके रहस्य का पता होगा। इस मुरली सुनने से तुम राजाई पद पाते हो। और कोई का भाषण सुनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे क्या? अथवा मनुष्य से देवता तोड़े ही बनेंगे? या तो फर्स्ट क्लास दान करना है जिससे 21 जन्मों के लिए बहुतों का कल्याण होता है। टेप रिकॉर्ड लेकर देना व मकान लेकर देना कितनी अच्छी सर्विस है। बच्चे बैठ सर्विस करेंगे, मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा, उसका फल तुमको मिलेगा। वहाँ रिटर्न में बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। वहाँ समय आएगा जो तुम बच्चों को तो बहुत मकान मिलेंगे, चरणों में झुकते रहेंगे। मकान भी हम क्या करेंगे, हमको तो सिर्फ सर्विस करनी है। मकान लो फिर मुफ्त में पैसा भरकर क्यों दो? सौदागर भी तो यहाँ पक्का है, सेंसिबल सौदागर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे लक्की ज्ञान सितारों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, शरीर में होते सबसे तैलुक नाता तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। सेकंड पॉइंट, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। मुरली सुननी व पढ़नी है धारणा करने के लिए। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। वरदान निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। जैसे सेवाओं की बागदौड़ में होशियार हो, ऐसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो। इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवादारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्लोगन, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस है। अच्छा, ओम शांति।